खबर फरीदाबाद से। माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। माता पिता उम्मीद करते हैं कि बच्चे बड़े होकर उनका नाम रोशन करेंगे, लेकिन फरीदाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई जहां माता पिता की हत्या उन्हीं के बेटे ने कर दी। हत्या की वजह नशा बताई जा रही है। ये घटना सिर्फ एक ऐसी घटना है जो हैरान कर रखी है, बल्कि इस घटना ने कई ऐसे सवाल है जो नशे की लत के शिकार लोगों को लेकर उठा दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। नशे की लत युवाओं को अपराध के दलदल में धकेल रही है। नशे की बुरी लत के आगे रिश्ते भी धुंधले साबित हो रहे हैं। जी हां, ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां नशे की लत ने एक युवक को अपने ही बुजुर्ग माँ बाप का हत्यारा बना दिया। नशे के आदि हो चुके इस युवक ने माँ बाप पर नुकीले हथियार से कई वार किए, लेकिन माँ बाप की हत्या करते वक्त इस बेरहम बेटे का दिल नहीं पसीजा। पहले भी कई बार युवक नशे में माँ बाप के साथ झगड़ा कर चुका था। नशे की हालत में आया था, अपने माँ बापों से पहले लड़ाई झगड़ा करा था और गेट के चारों तीनों गेटों में ताला लगा के जब बड़ी बेरहमी के साथ कैंची के साथ उसने माँ बापों की हत्या करी है। वही दूसरा मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 का है, जहां दहेज के लोभी सेना के जवान ने अपनी ही पत्नी को गला दबाकर मौत के घाट उतार डाला। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उसको मुंह मांगा दहेज नहीं दे रही थी। अरे फांसी खाए का मनते दहेज के वहां से मार गए, दहेज मांगे 50 लाख रुपया ला, अब खूब गाड़ी दे सब दियो, छोटो सा बालक है फांसी तेज मारे जहर दियो है, ऐसी बुरी तरह बहुत बुरी गत करके मार गए, दांत तोड़ रखे रोड सब, दूसरे साल तीसरे साल ब्याह लग रहा है, छोटा सा बालक है गोदी में। सूचना मिलती डायल 112 से, यहाँ लक्ष्मी नाम की सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में रहती है, उसके पति ने उसको सुसाइड वो जान से मार दिया। तो हम मौके पर पहुँचे तो अभी पता चला है कि इसके हस्बैंड हैं जो आर्मी में नौकरी करते हैं, जिसका नाम भूपेंद्र है, उसने इसका गला दबा के और इसकी हत्या कर दी। एंट्री यही है, अभी जाँच चल रही है, इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम करवा के निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। हालांकि परिजनों का कहना है कि उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी, लेकिन दहेज के लोभी हत्या आरोपी का पेट उस दहेज से नहीं भरा और लगातार शादी के बाद से ही उसको प्रताड़ित कर रहा था, जिसके बाद पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर सेना के जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक।